मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन के मिश्रा ने पिछले दिनों महाकाल लोक में सप्त ऋषियों की मूर्तियां गिरने और नंदी द्वार का कलश गिरने को लेकर राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। मिश्रा ने कहा कि उज्जैन के महाकाल लोक में नंदी द्वार पर कलश का टूट कर गिरना अशुभ है। मिश्रा ने ट्वीट कर कहा, घड़ा भर गया है पाप का, फैला अत्याचार, आसमानी शक्ति दे बाबा, धरती करे पुकार, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, कोई भी हो ईश्वर की निगाह से नहीं बच सकता। इस ट्वीट पर उमेश यादव रानू ने लिखा, छल कपट की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती। कमलनाथ जी की सरकार गिराने वाले शिवराज सिंह जी चौहान बाबा महाकाल की नगरी में जा रहे हैं कि उसे देखकर समझ जाओ, यह संकेत अच्छे नहीं है। सत्यम दीक्षित ने कहा, महाकाल लोक में भ्रष्टाचार करने वालों के ऊपर कठोर कार्रवाई के लिए तैयार है भाजपा। उल्लेखनीय है कि महाकाल लोक में अब नंदी द्वार पर लगा कलश टूट कर नीचे गिर गया। उस समय घटना स्थल पर कई श्रद्धालु मौजूद थे, हालांकि किसी को चोट नहीं आई। दरअसल नंदी द्वार पर कुछ कलश लगे हैं, उन्हीं में से एक कलश टूट कर नीचे गिर गया। इसके गिरने से नीचे लगी टाइल्स भी चकनाचूर हो गई। इसके पहले तेज आंधी के चलते सप्त ऋषियों की 6 मूर्तियां टूट कर गिर गई थी। उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2022 में महाकाल लोक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया था। कांग्रेस ने महाकाल लोक के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है।